Received any interest? No. Where you will find if you would have received? Trial balance. Credit. सोचो आप ठंडे दिमाग से बर्फ रखो ऐसा हो सोचो आपने इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा कि दोगे तो इनकम हुआ कि एक्सपेंस तो क्रेडिट में मिलेगा ना तो हैव यू रिसीव्ड एनी इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट साइड नहीं तो 1200 का 1200 क्या मिलेगा रिसीवेबल तो ऐसा लिखने का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1200 लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड नील लेस इंटरेस्ट रिसीव नील तो यू गेट 1200 एज इंटरेस्ट रिसीवेबल कौन था यहाँ पे सुपर टेल मी द टू इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट है रिसीवेबल क्रेडिट होगा डेबिट नहीं है तो क्रेडिट ही होगा क्रेडिट में प्लस करना है कि माइनस प्लस ही होगा होगा तो माइनस हो सकता है क्यों अच्छा तो क्या माइनस होता है अगर मतलब एडवांस में रिसीव्ड इन एडवांस माइनस होता है और एसेट में क्या कर सकते हो एसेट में मतलब प्लस ही होगा किस पे क्या हुआ किसमें प्लस करता है वो तो पीएनएल क्रेडिट में हो गया एसेट में अलग कि किसी चीज को ऐड करना है अलग से दिखा सकते हो लेकिन हम लोग क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट्स में ऐड 10 बार लिखते थे मेरे को पीएनएल क्रेडिट एंड ऐड टू इन्वेस्टमेंट अंडर एसेट अभी का अभी चाहिए लेक्चर के बाद पीएनएल क्रेडिट एंड ऐड टू इन्वेस्टमेंट डॉट्स दे दो फटाफट आप बोलो मुझे क्या क्या आएंगे डॉट्स कैपिटल पे कितना दो डॉट डालो कैपिटल पे सब लोग टू डॉट्स ऑन कैपिटल सेल्स पे एक डेटर पे दो सेल्स एक डेटर पे दो क्यों समझा पहले अनरिकॉर्डेड सेल करने के एनआरडीडी करते फिर एनआरडीडी करोगे गुडविल पे एक एडवर्टाइजमेंट है क्या एक हाँ बोल रहे नहीं है एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली लिखना पड़ेगा सैंपल वाला ठीक है और ट्रेडिंग क्रेडिट और कुछ रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे रिसीवेबल है देखो डॉट्स टू डॉट्स ऑन डेटर वन ऑन गुडविल वन ऑन इन्वेस्टमेंट टू ऑन कैपिटल वन ऑन सेल्स और कुछ करो खुद से करो 20 मिनट क्विक डॉट्स में दो डॉट डेटर एक गुडविल एक इन्वेस्टमेंट एक सेल्स एक अरे दो डॉट डेटर एक गुडविल एक इन्वेस्टमेंट एक सेल्स और दो कैपिटल ये बाजू है कैपिटल पे दो और सेल्स पे कैपिटल ऊपर ऊपर सर ये कैपिटल पर बे यानी सेल्स पर एक सूच है क्यों ना बे बोलो इंश्योरेंस 10% ऐसा नहीं पैसा होगा इंश्योरेंस थोड़ी इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस तो प्रीमियम है एक्सपेंस है इन्वेस्ट किया तो व्याज मिलता है 10% बॉन्ड्स डिबेंचर्स एफडी उसका परसेंटेज है या तो फिर लोन लिया बैंक लोन पार्टनर लोन फ्रेंड्स उस पर इंटरेस्ट इंटरेस्ट इस पर रहता है ऊपर डेटर्स बढ़ेगा ना पैसा एड अनरिकॉर्डेड से कम ऑन क्विक डोंट टॉक फास्ट 20 मिनट करो मेरे को फिर होमवर्क सब एक और देने का ये मैं बोर्ड में नहीं करने वाला हूँ मेरा भरोसा मत रहना इसके बाद होमवर्क सब भी है वीकेंड होमवर्क हाँ हो गया फटाफट तो मैं कीधु तू करवा माटे फरता फरता संपर्क करी सके तने वीडियो पर कई रीतना कई रीतना से वीडियो थी करी सके डेडिकेशन हो गई डेडिकेशन एक ही दूंगा एक ही समय एनी ऑर्डर इज एनी ऑर्डर इज कंप्लीट कर लीजिए आने दे होमवर्क दे होमवर्क समझे देव देव अश्विन हेलो अश्विन हेलो बाय बाय चेक कर
चलो ध्यान से करो फटाफट, ये मैं बोर्ड पे नहीं करने वाला, खुद से करना है आपको पूरा। पेंसिल से टैली करो, छापू लो, जो लोग है भरोसे पे मत बैठो, बोलो खुद से करो, पेंसिल से टैली बोलो। फिर राज कितना टाइम है अभी, दिस सम यू टू सेंड यू होमवर्क सम आई बी डिस्कसिंग दैट टू टेक ना, या वीडियो से देख लो, वो भी होने के बाद आराम से पहुंच जाओगे, सब कुछ हो जाएगा 12:30 तक। रिक्शा में लॉग इन कर लो सर, तो 12:15 जो टाइम है प्रोफेशनल फास्ट करो ना, सब 20 मिनट का सब 25 मिनट लगाया तो फिर नहीं होगा, तो हम 5 मिनट ज्यादा लगा, जहाँ आधा घंटा ज्यादा लगे, आधा घंटा कभी एक हाथ बार हुआ है। नहीं नहीं मैं ऐसा जल्दी भी छोड़ा है, कभी कभी तो 15-15 मिनट जल्दी FPD पची एना FPD 1250 डेटोरेट नहीं होता है, वो करना पड़ता है अपने को। मैंने बोला था ना, मैंने किसी का बिजनेस लिया और उसको अपने में मर्ज कर दिया, अभी वो नाम का तो कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है नहीं, मेरे को मिलने वाला नहीं है। मैंने तेरा बिजनेस लिया, मैं क्रीम सेंटर का चेन चला रहा हूँ, तो अचीजा होटल है, मैंने तेरा बिजनेस ले लिया, तेरा एसेट सब ले लिया और उसको क्रीम सेंटर में मर्ज कर दिया, उस बिजनेस कस्टमर तो आते ही रहेंगे, चीजा जितने ही आएंगे ना उसको तो मालूम है, थोड़ा टाइम के लिए रखा जब तक अचीजा है कमाने के लिए, और फिर क्रीम सेंटर बना दिया ऐसा, 2-3 महीना तो आएगा ना, 2-3 साल तो आएगा ना। हेलो लेक्चर में बोला ना, हाँ चालू पची, मैंने कहो मैं ना अचीजा का बिजनेस लिया, 1-2 साल तक उसके नाम पे चलाया, तब तक आ रहे कस्टमर, ओनर में बन गया, अचीजा वाले को थोड़ी मालूम है कौन है ओनर, वो तो आएंगे कस्टमर, और फिर मैं ग्रेजुअली उसको क्रीम सेंटर बना दिया, तो उसके बाद मैंने उसकी आइडेंटिटी खा ली, खत्म कर, तो अभी वो जो गुडविल का मैंने उसको पैसा दिया था वो मैं कहीं बेच नहीं सकता हूँ, उसके एसेट्स तो है वो मैं बेच सकता हूँ, उसका पैसा मिलेगा, लेकिन जो गुडविल का पैसा दिया था वो मैं अलग से नहीं बेच सकता, आई हैव टू डेप्रिशिएट, तो 3-5 साल के ऊपर खत्म कर देगा, समझा इसका। बट तो भी अफेक्ट तो करेगा ही ना, क्या कुछ नहीं छोड़, अच्छा वो क्राउड कल उठ के अचीजा का ओनर चेंज हो गया, बोर्ड नहीं लगा है क्रीम सेंटर, अचीजा के नाम पे ही चल रहा है, सब कुछ सेम है, वेटर मैनेजर ओनर ने खाली खरीद लिया होता है। डू यू आस्क व्हेन यू गो टू द रेस्टोरेंट ओनर कौन है, नहीं बट
नाम चेंज कर देगा तब ना, वो एक दो साल तक वही चलाएगा चीजा, अचीजा के नाम पे ही चलाएगा, फिर धीरे 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 उसको रिब्रांड करके क्रीम सेंटर बना देगा दो तीन साल के बाद, तब तक तो उसको मिलेगा ना भलाई। ठीक है सर, Thank you.
बोला ठाकू नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन डेप्रिसिएशन यस लेस फ्रॉम गुडविल एंड पीएनएल मैं क्या बोल रहा था तेरे को लौकिक हाँ तो इसमें सपोज तू चेंज भी करता है कस्टमर्स कम भी होते हैं बट ऐसे नहीं होगा कि तू नया रेस्टोरेंट खोल रहा है और जो कस्टमर्स आ रहे हैं और ये जो रेस्टोरेंट है इसमें फर्क होता है तो नया कोई नया जगह पे नया रेस्टोरेंट खोल दे और तू एक्सपेक्ट कर रहा है जो कस्टमर उनके कंपेरिजन में तो ज्यादा ही आते हैं यहाँ पे दैट डिफरेंस इज दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो क्यों आया सस्टेनेबिलिटी इतने साल का मेहनत क्वालिटी सर्विस आफ्टर सेल्स कॉन्टैक्ट्स उसके वजह से सो दैट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट वो वैल्यू होती है गुडविल ये सब आपको ऐड हुए सुपर प्रॉफिट सीएम सीएम कैसा है बहुत सारा डाल के रखा है लेकिन उसमें 50-60% काम का है 40% इतना मतलब यूज में नहीं आता थियोरेटिकल है प्योर प्रैक्टिकली काम में नहीं आता उससे कंपेरिजन में सीएफए पूरा पूरा प्रैक्टिकल है एमबीए फाइनेंस पूरा प्रैक्टिकल है आईआईएम्स वगैरह से जो आप करते उधर बोलो बुकिश बुक में से जो पढ़ता है उसको मग्गू बोलते हैं मग्गू मतलब मग्गू मतलब बुक से जो रट्टू बोलते हैं ना वो गाली के जैसा यूज होता है वहां पे आईआईएम मग्गू बोला मतलब गाली है वो लोग पूरा केस स्टडी बेस्ड ही अप्रोच रहता है प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है उससे रिलेट करके वेरी गुड करिकुलम एंड अपडेटेड सिलेबस समीक्षा 21st इधर बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल उधर लिख सकते हो टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हो बट बेटर इट इज इफ यू राइट टू फ्री सैंपल या टू एडवर्टाइज या अदरवाइज टू एडवर्टाइजमेंट बेस्ट जैसे आप लिखते हो लॉस बाय फायर टू गुड्स ऊपर लिखते हो बाय गुड्स लॉस बाय फायर नीचे टू लॉस बाय यहाँ पे नीचे टू एडवर्टाइज तुम्हारा हो जाएगा भाई 1240 है ना समीक्षा आप है ना यार 1210 हुआ है हाउ डू डू टाइमिंग का कैलकुलेट मेरे को अभी मैच कल हो गया ना फिर अकाउंट का आया बाद में आंसर्स आया कि नहीं वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि ब्रोकरेज अलग लेते हैं अलग डाला है और कोई आया दूसरा आंसर ऐसा नहीं सब लोग ग्रुप पे लिख रहे थे कि क्या 2 घंटा देना चाहिए क्या देना चाहिए 2 घंटा देना चाहिए हाँ टाइम ज्यादा टाइम ज्यादा ही चाहिए 2 आवर्स मिनिमम चाहिए टाइम कम नहीं आई थिंक 66 इज 165500 यस राइट आई थिंक इट्स 66 आया जीपी आया 66 हो गया टैली हो गया तो व्हाट आर यू राइटिंग नेक्स्ट सम होमवर्क है वो अच्छा वेरी फर्स्ट तुम घाय मत हो ये टैली करो पहले पेंसिल से आलसी हमड़ा अभी करोगे तो एग्जाम में होगा अभी नहीं करोगे तो भूल जाओ एग्जाम में होने से आगे नहीं होने वाला
GP 66 70,450 हिडन का दो इफेक्ट भूलना मत. वंस यू हैव डन नॉर्मल एडजस्टमेंट डोंट फॉरगेट टू डू हिडन एडजस्टमेंट. GP 66 check mila. Balance 164250. 164250.